महकमे एजुकेशन बहावानगर में गजब करप्शन की अजब कहानी। एडिशनल ग्रांट के नाम पर 85 करोड़ का घपला। अकाउंट्स ऑफिस और ठेकेदारों ने बहती गंगा में हाथ धोई। इब्तदाई रिपोर्ट के बाद डीजी एंटी करप्शन ने इंक्वायरी शुरू कर दी। सीईओ एजुकेशन समेत मुख्तलिफ अफसरान को तलबी के नोटिस जारी। गुर्दों के मरीजों के लिए बुरी खबर, सस्ता इलाज भी हुआ महंगा। हुकूमत ने गुर्दों का इलाज ठेके पर देने का फैसला कर लिया। सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस सर्विसेज निजी शोबे को दी जाएंगी। सराय के मुताबिक प्राइवेट कंपनियां 30 जुलाई तक बेड्स जमा कराएंगी। पीएमडीसी का एमडी कैट इम्तिहान 22 सितंबर को मुनाकिद करने का ऐलान। निसाब अगले हफ्ते पीएम और डीसी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। तुलबा की सहूलत के लिए निसाब तब्दील न करने का फैसला। अंदरून और बैरून मुल्क इम्तिहान एक ही तारीख को लिया जाएगा। मुल्तान का मौसम हुआ औसम, बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। चेहरे खिल उठे अब करम ऐसा जमकर बरसा के हर तरफ पानी पानी हो गया। राहगीरों ने बारिश से बचने के लिए पुलों का सहारा लिया। मनचले लुत्फानंदोज होने के लिए बारिश पे नहाने लगे। दो घंटे के बारिश ने मुल्तान इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। वासा निकासी आप में नाकाम। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर तालाब का मंजर। पुलिस लाइन, हाईकोर्ट चौक, गुलगश्त, एमडीए चौक और दीगर मुकामात पर पानी जमा। शहरियों को मुश्किलात का सामना। थल के बासियों पर कुदरत मेहरबान। चौबारा नवाकोट में बारिश, गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। तल, मोंग, कपास और चारे की फसलों पर निखार आ गया। दुनियापुर, बिहाड़ी, मियावाली और पिपला में भी मूसलाधार बारिश जल थल एक कर दिया। नशेबी इलाके जेरे आब, चश्मा बैराज में निचले दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 2.5 लाख, अखराज 2,47,000 क्यूसिक। बैराज के तमाम स्पेलवेज खोल दिए गए। महकमे सेहत मुल्तान बारिशों में वबाई अमराज से बचाव के लिए मुतहरिक। तमाम बुनियादी मराकज सेहत, तहसील और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों का अलर्ट जारी। एडिशनल सेक्रेटरी कमर जमा कैसरानी कहते हैं बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा है। तमाम जरूरी अद्वियात की दस्तियाबी बारे हिदायत जारी कर दी। जनूबी पंजाब भर में साफ पानी की अदम दस्तियाबी का मसला संगीन। मुल्तान में बेशतर प्लांट गैरफाल, टूटियां चोरी। बहावलपुर में सिर्फ 45 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स, मुतद्दिद गैरफाल। मुजफ्फरगढ़ के शहरी भी आलूदा पानी पीने पर मजबूर। 8 में से 3 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद। रहीमयार खान में जेरे जमीन पानी में आर्सेनिक की मकदार ज्यादा। प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम फरीद कहते हैं आलूदा पानी पीने से हेपेटाइटिस के मरीजों में इजाफा हो रहा है। मुल्तान की यूनियन काउंसिल लुत्फाबाद मसाइलिस्तान बस्ती हड़ावट में रोड टूट फूट का शिकार। सेवरेज लाइन का मंसूबा 4 साल से नामुकम्मल। दूसरी जानब बस्ती लंगड़ियाल के रोड पर गहरे गढ़े पड़ गए। मिनटों का सफर घंटों में तय। गंदगी के बायस ताफुन फैलने लगा। रात को चोरी और डकैती की वारदातें मामूल बन गईं। सुरंडा मोहम्मद फना में तजावजात माफिया सड़कों पर बराजमान। 40 फुट का कुशादा रोड सुकट कर 10 फुट रह गया। रेहड़ी बांध बेलकाम, राहगीरों का पैदल गुजरना भी महाल। शहरियों ने तजावजात के खात्मे की अपील कर दी। बारिश और सेवरेज का पानी गलियों और घरों में जमा। मोहल्ला कादराबाद के मकीन म्यूनिसिपल कमेटी मियांवाली के खिलाफ सिरापा एहतजाज। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी, कुंदियां रोड ब्लॉक कर दिया। मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें दी लेकिन सुनवाई नहीं हुई। मुजाहिरीन की दुहाई। अवाम पर टैक्स का भारी बोझ डाला जा रहा है। सीनियर नायब सदर चैंबर ऑफ कॉमर्स डीजी खान मिर्जा मोहम्मद जफर इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले 2,000 अरब रुपए बंद बिजली घरों के अदा किए जा रहे हैं। 25% इंडस्ट्री बंद हो चुकी है।
इंसाफ मजीद महंगा 2 रुपये वाली टिकट 500 रुपये की। मुल्तान समेत पंजाब भर में अदालती बाइकॉट, वकला अदालतों में पेश न हुए साइलिन पर इजाफी बोझ पड़ेगा, फैसला वापस लिया जाए, बाज अहदेदारों का मुतालबा। सेक्रेटरी आरटीए बहावलपुर का क्रैकडाउन, ट्रांसपोर्टर सिराफा एहतजाज, मुजाहिरीन का कहना था कि एलपीजी की आड़ में 20 डीजल गाड़ियां भी बंद कर दी, गाड़ियां ना छोड़ने पर 2 दिन से ड्राइवर्स बेरोजगार हैं। स्कूलों के बाद कॉलेजेस को भी आउटसोर्स करने की सिफारिशात, एचईसी ने तजावीज पेश कर दी, सरकारी कॉलेजेस की इमारतें शाम के लिए लीज पर दी जाएंगी, वर्किंग प्लान को देखते हुए वजीर आला हतमी फैसला करेंगी। नाबीना बच्चों को ब्रेल किताब की फराहमी का मामला, निजी और सरकारी स्कूलों से तफसीलात तलब करने के अहकाम, मुल्तान डिवीजन के स्कूलों में 450 तलबा ज़ेरे तालीम हैं, बच्चों को गुज़िश्ता 5 साल से कुतब फराहम नहीं की जा रही। सूबाई वजीर तालीम राणा सिकंदर हयात की जेर सदारत इजलास, 300 पब्लिक स्कूलों में मिडल मैट्रिक इंटरटेक शुरू करने का मंसूबा, मैट्रिक और इंटर में टेक्नोलॉजी कोर्सेज के आगाज पर मुशावरत, कोर्सेज की तैयारी के लिए मुशावरती कमेटी बनाने की हिदायत। लाही इदारों के जेर एहतमाम आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम फंड्स के मुनसिफाना तकसीम का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का फैसला, मुल्तान समेत पंजाब के 175 स्कूलों को आगाह कर दिया गया, सीईओ को रिकॉर्ड मुरतब करने का हुक्म। रिटायर्ड या वफात पाने वाले असातिज़ा के अहल खाना को अदायगियों में ताखीर का मामला, डीपीआई एलिमेंट्री पंजाब का दस्तावेजात में मुसलसल गलतियों का नोटिस, तस्दीक के बाद दस्तावेजात भिजवाने की हिदायत, तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज को मुरासला जारी। स्पेशल मॉनिटरिंग कमेटी मियांवाली मलिक फेरोज के जेरे सदारत इजलास, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी का जायजा, उधर डिप्टी कमिश्नर डीजी खान ने भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को कार्रवाइयां तेज करने के अहकाम जारी कर दिए, इजलास के दौरान इदारों को मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत। अलीपुर में इमदादी रकम से कटौती करने वालों के खिलाफ एक्शन का फैसला, डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ मियां उस्मान अली का कहना है कटौती पर भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, कटौती करने वाले अफराद के खिलाफ तहकीकात की जा रही है। सीपीओ मुल्तान सादिक अली का चाइनीज कैंप का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा, कैमरों की कारकर्दगी चेक की, चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों को हिदायत, कहा कि किसी किस्म की गफलत हरगिज बर्दाश्त नहीं। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल की मियां चनू में खुली कचहरी, शहरियों के मसाइल फौरी हल करने की हिदायत, उधर डीपीओ सरगोधा ने तहसील भेड़ा के थाना म्यानी में शहरियों के मसाइल सुने, अवामी शिकायत पर सब इंस्पेक्टर की तनसली और दूसरे को शोकॉस जारी। सीईओ हेल्थ खानेवाल का दौरा, डीएचके अस्पताल ट्रामा सेंटर में फ्राहम करदा तिबी सहूलियात का जायजा, डॉक्टर मोहम्मद अली मेहदी का कहना था मरीजों को अद्वियात मुफ्त फ्राहम की जा रही है, अमले की हाजिरी में यकीनी बनाई जा रही है। मैट्रिक इम्तिहानात प्री चेकिंग का ऐलान, उम्मीदवार को बोर्ड ऑफिस में दरख्वास्त जमा कराना होगी, तमाम मुजामीन की री चेकिंग कराई जा सकती है, तालीमी बोर्ड मुल्तान ने 26 जुलाई आखिरी तारीख मुकर्रर कर दी। महकमे दाखिला में जेल खानाजात की महकमाना प्रोमोशन कमेटी का इजलास, ग्रेड 17 के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ग्रेड 18 में बतौर सुपरिटेंडेंट प्रोमोट, तरक्की पाने वालों में सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल खानेवाल मोहम्मद मंशा, एडिशनल सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल साहिवाल टीबो सुल्तान और सुपरिटेंडेंट ट्रैफिक पुलिस मुल्तान के जेर एहतमाम मुकामी कॉलेज में रोड सेफ्टी सेमिनार, सीटीओ जलील इमरान की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत, तलबा स्टाफ समेत दीगर शुरका को आगाही लेक्चर दिया।
ट्रैफिक पुलिस मुल्तान के ज़ेर एहतमाम मुकामी कॉलेज में रोड सेफ्टी सेमिनार CTO जलील इमरान की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत, तलबा स्टाफ समेत दीगर शुरका को आगाही लेक्चर दिया।